एवरीवन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं सिंधी हूँ, तो मुझे काफी सारे कमेंट आते हैं कि आप जो रेगुलर सब्जी बनाते हैं ना वो हमसे शेयर कीजिए। तो आप सभी की डिमांड पर जो हम रेगुलर सब्जी बनाते हैं ना वो रेसिपीज आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर दें, जिससे मेरे आने वाले सभी इंस्टेंट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चले जल्दी से इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको एक आसान तरीके से पनीर भुर्जी की रेसिपी बताने वाली हूँ। मैं अक्सर इसी मेथड से घर पर बनाती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी मैं ये रेसिपी शेयर करूँ। आज जो मैं पनीर भुर्जी बना रही हूँ ना, उसकी खास बात ये है कि ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है और टेस्टी और सॉफ्ट भी बनती है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं पनीर भुर्जी। मैंने 200 ग्राम होममेड पनीर लिया है, इसे मैं मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेती हूँ। आप चाहो तो हाथों से भी इसे क्रम्बल कर सकते हैं। घर पर फ्रेश बना हुआ पनीर बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अगर आपको पनीर कैसे बनता है उसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें, मैं आपको घर पर पनीर कैसे बनता है इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ये देखो मैंने पनीर को ग्रेट कर दिया है, अब इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, मैंने प्याज बहुत बारीक कट कर दिए हैं, और मैंने 4 से 5 हरी मिर्च लिए। हरी मिर्च मैंने इसलिए ज़्यादा लिए क्योंकि मैं यहाँ पर लाल मिर्च का यूज़ बहुत ही कम करूँगी। अब एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करने को रख देती हूँ। जैसे ही तेल गरम हो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं, और साथ ही हमने जो हरी मिर्च को बारीक कट कर दिया था उसे भी डाल देती हूँ। गैस का फ्लेम हाई रखना है और इसे मिक्स करके 4 से 5 मिनट पकाएंगे, या जब तक प्याज पिंक कलर का ना हो जाए। प्याज को हमें डार्क नहीं करना है, डार्क कलर का करेंगे तो पनीर भुर्जी का कलर प्रॉपर नहीं आएगा। प्याज में पिंक कलर आ चुका है, अब मैं गैस का फ्लेम कम कर देती हूँ और इसमें मसाले ऐड करती हूँ। यहाँ मैंने 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच मैंने किचन किंग मसाला यूज़ किया है, और इसमें अब नमक स्वादानुसार डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हमें कम ही रखना है। अब मैंने एक शिमला मिर्च लिया है, इसे मैंने बारीक कट कर दिया है और इसे इसके अंदर डाल देते हैं, और इसी के साथ हमने जो पनीर को ग्रेट किया था उसे भी डाल देती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और बहुत थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर देते हैं। जब हम पनीर को कढ़ाई के अंदर पकाते हैं तो ज़्यादा इसे नहीं पकाना है क्योंकि पनीर ऑयल छोड़ देगा और पनीर की बहुत ही ऑयली सब्जी बनेगी। हमें बस हाई फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट के लिए इसे इस तरह से चलाना है, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है भुर्जी पनीर का। ये देखिए किनारों से तेल छूट रहा है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देते हैं और साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देते हैं। कसूरी मेथी से ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसे मिक्स कर देते हैं और गैस को भी बंद कर देती हूँ। बस अब ये रेडी है परोसने के लिए। तो देखा दोस्तों आपने, बिना अदरक लहसुन के, बिना टमाटर के हमने बहुत ही कम सामान में कितनी जल्दी पनीर भुर्जी बना दिया है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप एक बार इसे ज़रूर बनाइए, ट्रस्ट मी फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छी बनती है। मैं तो घर पर ऐसे ही बनाती हूँ, आप खुद घर पर ट्राई करके बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके डाल देती हूँ, और साथ में थोड़ा सा टमाटर और हरा धनिया भी रख देती हूँ।
तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो मुझे आप लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ।